नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देतलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के इस छोटे सेशन में, जिसका नाम है 40 सीरीज। 40 यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देतलिया, और एक ऐसी सीरीज है जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डोज आपके लिए डेली लेके आता हूँ दोपहर को 12 बजे इस मैजिक मैथ्स ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करके रखिए बेल आइकन को, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हर इंपॉर्टेंट वीडियो आप सीखें, समझें और आगे एग्जाम में अप्लाई करें अपने कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ सीखते हो। ठीक है, तो जो ये इंपॉर्टेंट सीरीज है 40 सीरीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डोज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ये पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, कई बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और इनके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, और आप जो रेगुलर बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनसे आप आगे निकले और आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट सीरीज है इसमें मैं मैथ्स के दोनों पार्ट से क्वेश्चन लेके आता हूँ, चाहे वो अरिथमेटिक हो चाहे वो एडवांस मैथ्स हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज का जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ चेन रूल टॉपिक से लेके आया हूँ। ठीक है, चेन रूल का मतलब है मिश्र अनुपात, और ये एक डायमंड वर्क का पार्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहलू क्या होते हैं, देखो एक तो एक होता है, दूसरा होता है टू। ठीक है, तो 1 = 2, जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि इतने आदमी ने इतने घंटे इतने दिन तक काम किया और ये काम किया, तो कितने आदमी और लगाए जाएं, चाहे बोलेंगे इस कार्य का कितने आदमी लगेंगे ताकि 10 दिन काम करें, 10 घंटे तक काम करें और ये इतना काम है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो जो इसके दो पहलू होते हैं, जिसमें पहले दिया होता है कि इतने लोगों ने इतने दिन इतने घंटे इतने काम किया, वो 1 में आएगा। उसके बाद जब पूछेंगे क्वेश्चन की कितने आदमी लगाए जाएं, चाहे कितने दिन लगेंगे इतने आदमी को, तो वो जो है वो 2 में आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आदमी, ठीक है, तो आदमी को हम बोलेंगे M1। ठीक है, जो एक के नीचे आएंगे सबसे पहले आएंगे आदमी, कितने कितने आदमी कितने घंटे कितने दिन तक काम करते हैं उसको बोलेंगे D1, कितने घंटे काम करते हैं तो H1, और ये बाकी सब चीजें ऊपर आएगी, सिर्फ नीचे एक ही चीज आएगी और वो आएगी वर्क, कि उन्होंने काम क्या किया। ठीक है, और = में क्या आ जाएगा, सेम जैसे M1 लिखा तो M2 आएगा, यानी कितने लोग कितने दिन तक कितने घंटे और क्या काम करना है वो जब पूछेंगे वो 2 में आएगा। ठीक है, तो देखो जैसे आप एक क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन क्या है कि 128 पीपुल हैड टू फिनिश ए वर्क इन 62 डेज, दे वर्क टूगेदर फॉर 30 डेज एंड फिनिश 2/3 ऑफ द वर्क, हाउ मेनी पीपुल विल रिक्वायर टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। देखो 128 व्यक्तियों को एक कार्य 62 दिन में पूरा करना था। क्वेश्चन की भाषा समझिए, 128 व्यक्तियों को एक कार्य 62 दिन में पूरा करना था, उन्होंने मिलकर 30 दिन तक कार्य किया तथा 2/3 कार्य पूरा कर दिया। 2/3 का कार्य क्या मतलब होता है, उन्होंने पूरे काम का 2 हिस्से कर दिए, 1 हिस्सा और बाकी है। शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब ये नहीं पूछा है कि यहाँ कितने और लगाने हैं, इन्होंने पूछा है कि कितनी आवश्यकता होगी। तो देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि काम कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोगों ने काम किया है, तो 128 लोगों ने काम किया है। कितने दिन तक काम किया है, देखो इनका काम था 62 डेज का, लेकिन इन्होंने 30 दिन तक काम किया है। ठीक है, तो यहाँ 30 आ जाएगा। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने घंटा नहीं दिया है, तो घंटे को हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, घंटा नहीं दिया है, सिर्फ काम दिया है, और उसके बाद काम कितना किया है इन्होंने, 2/3 काम किया है, तो 2/3 इन्होंने काम कर दिया है। अब इसमें क्या आएगा, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि हाउ मेनी विल पीपुल विल रिक्वायर टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। अब देखो यहां पर चीज क्या है, इसको यहां पर दिया नहीं है, ये आपको निकालना है कि कितने दिन में काम करना है। तो सबसे पहले की लाइन में इन्होंने दिया है कि 62 दिनों में इन्होंने काम खत्म करना था, लेकिन इन्होंने 30 दिन काम कर लिया है, यानी कि इसके 32 दिन बाकी है। तो कितने आदमी और लगाए जाए कि 32 दिनों में ये काम खत्म करे, और काम कितना बचा है, 2/3 हो गया, यानी कि काम बचा है 1/3। ठीक है, बस अब ये अपना हो गया, अब इसको सोल्व करना है। तो देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, और इस 2 से इस 128 को काटेंगे तो ये आएगा 64। ठीक है, और ये जो 32 है इससे ये 64 और कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 30 30 2 60। ठीक है, यानी कि 60 लोग और चाहिए इनको, जो कि 60 लोग मतलब 60 लोग इस आदमी को इस खत्म इस 1/3 काम को
32 दिनों में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि 128 लोगों ने तो 2/3 काम कर दिया 30 दिनों में, तो 32 दिन है अभी इनके पास, तो ये आराम से कर सकते हैं। याद रखने वाली इसमें चीज क्या है कि जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, देखो ये मैं अलग से लिख देता हूं आपको कि ये वाला M1 × D1 × H1, ठीक है, और नीचे आएगा आपका W1 और इज इक्वल टू में नीचे फिर क्या आएगा M2 × D2 × H2, ठीक है, नीचे क्या आएगा W2। तो अब जो ये W से W होगा ये क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये वाला जो होगा ये पार्ट, ये भी डिवाइड होगा क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है, ऊपर नीचे है, डिवाइड होगा। उसके बाद ये दोनों भी डिवाइड होंगे और ये भी यहां से ऊपर वाले डिवाइड होंगे। लेकिन जब ये क्रॉसिंग में होगा, ये वाला यहां होगा और ये वाला यहां होगा, तो इनमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पहले तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इनको रखना ऐसे है, दूसरा इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई कहां करना है, बस याद रखना है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और जो ऑप्शन की अगर हम बात करें, हमारा जो 60 आंसर आया है, ये ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा सी है, ठीक है। तो 128 लोग 30 दिन तक काम करते हैं, 2/3 काम खत्म कर देते हैं, तो कितने लोग और लगाए, कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी जब 32 दिनों में 1/3 उस काम का बचा हुआ वो खत्म करना है, तो यानी कि 60 लोगों की जरूरत पड़ेगी जो कि 32 दिन तक काम करेंगे, और जो बचा हुआ हमारा काम है यानी कि 1/3 वो काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कल वापस मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक क्वेश्चन के साथ, ठीक है, बाय।